लोकसभा चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला शुक्रवार को आया। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी गई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नेताओं के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सुनिए उनका पूरा बयान। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगते हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट करने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। इसी के साथ बिहार के अररिया में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में ईवीएम और बैलेट पेपर का जिक्र किया। ये पहली बार है जब पीएम मोदी ने किसी भाषण में बैलेट पेपर और ईवीएम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पहले बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, अब गरीब को ईवीएम के द्वारा उसका हक मिला है। सुनिए पीएम मोदी ने और क्या कहा। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना, पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। अब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। बता दें कि ईवीएम की बजाय फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग काफी समय से हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसी के साथ ईवीएम और वीवीपैट की सभी पर्चियों की 100% मिलान की मांग भी खारिज कर दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्चियां सुरक्षित रहेंगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील करके सुरक्षित किया जाएगा। ये भी निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसके चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।